तो सबको 4 जून यानी कल का इंतजार है। कल पता चलेगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी। देश की जनता ने सियासी दलों का भविष्य तय कर दिया है और करोड़ों की जनता में एक वर्ग ऐसा भी है जो आने वाली सरकार से कई उम्मीदें रखता है। वो वर्ग है लाभार्थी महिलाओं का। हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा ने बात की नोएडा की कुछ महिलाओं से, जिन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार से उनको किन किन योजनाओं का फायदा मिला और वो आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें रखती हैं। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण समाप्त हो चुका है और 4 जून को हमें कौन सी सरकार आ रही है यह भी पता चल जाएगा। ऐसे में पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना, 5 kg राशन दिया है मोदी सरकार ने लाभार्थियों को, और उसके साथ ही साथ मिशन शक्ति और अन्य कई सारे स्कीम लाए हैं। लेकिन महिलाओं को इनका क्या लाभ हुआ है यह तो हम उन्हीं से जान सकते हैं। तो आज हम मौजूद हैं नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में और आइए यहाँ की कुछ महिलाओं से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्हें अभी तक क्या क्या लाभ मिला है, क्या क्या सरकार से जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, क्या क्या लाभ हुआ है पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की योजनाओं से। राशन भी मिल रहा है और लैटरिन भी मिल गया और देखो कि जे किसान के पैसे हैं, बेबी आ रहे हैं। अच्छा, ये तो लाभ भैया। अच्छा, सिलेंडर मिलेगा, सिलेंडर मिला है। हाँ। कब से सिलेंडर मिला आपको? सिलेंडर तो ऐसे भैया, हम तो मार्च मार्च जानते नहीं है। अच्छा, 4 महीने हो गए। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? मोदी की आ रहेगी, जब मोदी फायदा कर रहा है तो मोदी की सरकार है। फिर भी कुछ तो उम्मीदें होंगी ना सरकार से? हम तो जो कह रहे हैं सरकार के, मोदी की सरकार, हम तो दिल्ली में ही प्लॉट मिल जा हम तो दिल्ली में ही प्लॉट मिल जाए तो हम जरूरी अपने देहात में भजे फिर। तो क्या क्या उम्मीदें हैं इस बार मोदी सरकार से? हमें तो कोई ना राशन मिल रहा हुआ है, ना जमीन के रुपये आए हैं, तो हमारे लौड़ने क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारे 3 लड़का हैं, 3 लड़के ने कि नहीं आए जमीन के पैसा। तो अगर आप कह रही हैं कि आपको कोई लाभ नहीं हुआ है पिछले 10 वर्षों में, तो फिर भी आप चाहती हैं कि मोदी सरकार आए इस बार? बता के नहीं कह रहा था। इस पे आपका क्या कहना है? अब क्या कहना, हमें तो कोई लाभ ना है, सब बता, एक पेंशन बन गई हमारी इधर, अपन मकान बन जाए, राशन पानी मिल जाए, हमारे बच्चों को पढ़ी लिखी जाए। तो सरकार की तो योजनाएं हैं राशन देने की, 5 kg राशन देने की, तो नहीं मिलता आपको? नहीं मिलता। और तो पिछले 10 सालों में कोई भी कुछ भी नहीं मिला है? ना। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? ऐसे मोदी की सरकार आएंगे। आप पढ़ाई करती हैं? नहीं। क्यों भाई? पैसे के बारे, पैसे नहीं है, गरीब लोग हैं, कहाँ से पढ़ेंगे? आगे पढ़ना चाहते हैं, फ्री के स्कूल है, तब तक तो पढ़ लिया, अब आगे तो पैसे जा रहे हैं, अब आगे कैसे पढ़ेंगे? गरीब लोग कहाँ तक पढ़ा पाएंगे? हमारी मम्मी अकेले कहाँ तक करेंगी? पापा हैं वो शराब पीते हैं, वो तो नहीं करा पाएंगे ना अकेले। मोदी सरकार आएगी तो आपको लगता है कि मोदी सरकार के आने से बदलाव आएगा, आपको फ्री में पढ़ने को मिलेगा? 10 साल भी तो रही है मोदी सरकार। हाँ, लगता तो है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो थोड़ी पूरा पक्का थोड़ी ना पता है। अच्छा, लेकिन आपका चाह है, क्या बनना चाहती हैं आप पढ़ाई करके? अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो क्या बनना चाहती हैं? कुछ ना कुछ बनेंगे ही, अगर पढ़ने को आगे मिलेगा तो। हमने महिलाओं के साथ साथ लड़कियों से भी बात की और सबकी अपनी अपनी उम्मीदें टिकी हुई है आने वाली सरकार से। लड़कियां पढ़ना चाहती है तो वहीं महिलाएं अपने लिए प्लॉट चाहती हैं। तो अब यह होगा कि नहीं, यह तो हमें आने वाली सरकार ही बता सकती है और तभी देखने को मिलेगा जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, कैमरा पर्सन शिव कुमार तिवारी के साथ प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया।